लॉकडाउन में घर जाने के लिए लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं, इसका सीधा उदाहरण दोपहर 11 बजे देखने को मिला। एक ट्रक में 95 लोग भूसे की तरह भरकर फरीदाबाद से बिहार की ओर जा रहे थे। कई जिलों की सरहदें व बॉर्डर पड़ने के बाद भी पुलिस को चकमा देकर निकलने में वे कामयाब रहे, लेकिन सोनभद्र के दुद्दी क्षेत्र के बॉर्डर पर वह ट्रक पुलिस की सक्रियता से पकड़े गए। पुलिस उपाधीक्षक संजय वर्मा के नेतृत्व में सर्कल के हर थानों पर वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही थी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश झारखंड के बॉर्डर पर यह ट्रक पकड़ा गया। सभी 95 श्रमिकों को गाड़ी से उतार कर उनका नाम पता नोट किया जा रहा है। बिहार के पटना के पास एक गांव के रहने वाले राम सागर ने बताया कि फरीदाबाद से 17 अप्रैल की रात 9 बजे 94 श्रमिक ट्रक संख्या BR1GE 2843 में सवार होकर निकले थे। मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद होते हुए मिर्जापुर से सोनभद्र आए हैं। बिहार के मुंगेर के रहने वाले संजय सिंह ने बताया कि 17 तारीख से हम लोग केवल बिस्कुट खाकर किसी तरह से यहां पहुंचे हैं। रास्ते में सुनसान जगह देखने पर हम लोग बाथरूम करने उतरते थे। ये सभी लेबर बिहार जा रहे थे। बताया जाता है कि वैशाली जिले के 8, बांका जिले के 60 और मुंगेर जिले के 24 व जुम्मई जिले के 2 लोग ट्रक में सवार थे। रात्रि में कहीं सुनसान जगह देखकर यह लोग लघु शंका व सोच के लिए रुकते थे। सभी श्रमिकों को नाम पता नोट करके विडंबनगंज भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। आज जनपद सोनभद्र पुलिस के द्वारा प्रातःकाल झारखंड बॉर्डर पर एक ट्रक को रोका गया। ट्रक संख्या BR01GE 2843। ये ट्रक जो बिहार के जिला वैशाली और मुंगेर के कुछ मजदूर जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ में कार्य कर रहे थे फैक्ट्रियों में, उन लोगों को झारखंड बॉर्डर से बिहार ले जाने का प्रयास कर रहा था। ये तथ्य संज्ञान में आया कि ये ट्रक कुछ दिन पहले टाटा नगर से पाइप लेकर के हरियाणा गया हुआ था, और जब 14 तारीख को लॉकडाउन बढ़ा तब ये फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में था, तो वहाँ पर रहने वाले जो बिहार के जो मजदूर थे जो वैशाली और मुंगेर ज़िले के थे, उन लोगों ने इसे अपने साथ ट्रक में इन लोगों को ले चलने की बात कही, तो इस पर ये 17 तारीख को बल्लभगढ़ हरियाणा से इन सभी 94 मजदूरों को ट्रक में लेकर के ऊपर से तिरपाल डाल करके लेकर के चला था। आज प्रातःकाल यहाँ जनपद सोनभद्र और झारखंड की सीमा पर इसको जनपद सोनभद्र की पुलिस ने रोका, तो ये तथ्य प्रकाश आने पर इन 94 लोगों को उतार कर इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इनको जनपद सोनभद्र में एक स्कूल में क्वारंटाइन करके रखा गया है। इनको खाना वगैरह मुहैया कराया जा रहा है, और ये जो ट्रक मालिक है और ट्रक ड्राइवर है, खलासी है, इनके खिलाफ महामारी एक्ट में उच्च धाराओं में मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र के बिंडमगंज बॉर्डर पे आज 94 मजदूरों को पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान पकड़ा है। बता दें कि ये मजदूर हरियाणा राज्य से चले थे 17 अप्रैल को और आज बिंडमगंज पहुँचे थे। वहाँ सघन चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसमें 94 मजदूर एक ट्रक में ही मिले। ट्रक पूरी तरह तिरपाल से ढका था, उस तिरपाल ट्रक में ही सब मजदूर थे। पुलिस मजदूरों को देख के पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने सभी मजदूरों को तुरंत ट्रक से उतारा और सभी मजदूरों को क्वारंटाइन यहाँ बिंडमगंज में किया गया है। सभी मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग भी किया जा रहा है। सोनभद्र से पंकज सिंह, समाचार एक्सप्रेस। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.